गाइस नाश्ता हो गया है, घर पे सब कंफर्म कर दिया गया है कि हम पहुंच गए हैं सूरत, और एक घंटे के आसपास या डेढ़ घंटे के आसपास का ब्रेक हो गया यार। इसीलिए रुकना पसंद है, रुको ना तो इतना बड़ा ब्रेक हो जाता है यार, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो बस अब निकल पड़े हैं, अब रास्ता डिसाइड हो गया है, यहाँ से जा रहे हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जयपुर, और जयपुर से निकलेंगे श्रीनगर। तो भाई ये देखो, वैसे ही वैसे भाई, एक तो भी मेरी गाड़ी के आगे लग गई, उसका सिंग लगा। बच गई लेकिन उसको ज़्यादा लगी नहीं होगी, क्योंकि ये जो आगे जेरिकेन दिया हुआ है, खाली है ये, तो जेरिकेन पे लगी शायद उसको। और हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर खाया ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो, गाड़ी रोक करके पानी पिया, गर्मी भर गई है भाई। हम लोग अभी पहुंच रहे हैं वडोदरा, सुबह हो जाती है तो ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, गर्मी भी, तो जो आपकी एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है, और अभी वही चल रहा है भाई, एवरेज स्पीड रिड्यूस हुई है, चालू है फिर भी अपना काम तो कोशिश जारी है। कर लिया है, थोड़ा टाइम पास ज़्यादा हो रहा है और गाड़ी कम चल रही है यहाँ। इसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, बार बार रुकना पड़ रहा है, प्यास लग रही है, तो अच्छे से पानी पी लिया है, दो तीन बार ब्रेक लिया बीच में, अब जो स्पीड दौड़ा रहा हूँ वापस, गाने ऑन किए, थोड़ा बोर हो रहा था गाड़ी चलाने में इतनी धूप के अंदर, अभी गाने की आवाज़ तो आ ही रही होगी आप लोगों को यार। चलो भाई फर्दर अपडेट देता हूँ मैं जल्दी। हाल फिलहाल वी आर क्रॉसिंग भरूच, वी आर रीचिंग भरूच, वी आर क्रॉसिंग अंकलेश्वर।
किलोमीटर आना और 2700 किलोमीटर जाना। नहीं नहीं, एक्चुअल में जाना जो है वो 2700 किलोमीटर है, क्योंकि मैं यहाँ से श्रीनगर और श्रीनगर से ले जा रहा हूँ। श्रीनगर यहाँ से 2100 किलोमीटर है बॉम्बे से, तो 2700 किलोमीटर जाना है। रिटर्न आते हुए मैं लेह से मनाली होते हुए आ रहा हूँ, तो वो 2100 किलोमीटर की जर्नी है। तो जो 600 किलोमीटर है ये कश्मीर के रास्ते से जाने के कारण, सर्किट मारने के कारण इंक्रीज हुआ है। और मैंने कहा कि इससे बढ़िया मौका नहीं रहेगा कश्मीर भी देखने का जब हम लद्दाख जा ही रहे हैं खुद की बाइक पे। इसलिए मैंने वाया कश्मीर लेह प्लान किया है, एंड कमिंग सैटरडे को जलपा मुझे ज्वाइन करेगी। तो मुझे सैटरडे से पहले पहले कोशिश करनी है पहुंचने की, देखते हैं कितने बजे कौन से डे पे पहुंचते हैं। आज संडे है एंड अभी मेरे पास में पूरा हफ्ता पड़ा है, पर मैं सोच रहा था श्रीनगर अगर पहुंचूं तो एक आध दिन वहाँ पर भी मैं इंजॉय करूं बिफोर आई लीव फॉर ले। श्रीनगर से ले जाना डिपेंड करता है कैसे रास्ते हैं और क्या मौसम है। जनरली तो एक दिन का ही रास्ता है, 450 किलोमीटर है, 420 किलोमीटर है, बट कभी कभी आपको एट टाइम्स उसको भी ख़त्म करने में 2 दिन लग जाते हैं अगर आप स्टार्ट जल्दी नहीं करते हो, क्योंकि वो 420 किलोमीटर पूरा पहाड़ी इलाका है भाई। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे रैंडम प्लेन पे 80 किलोमीटर की स्पीड में चल रहे हैं। अरे इनकी बात अलग है, उनकी बात अलग है भाई। तो भाई लोग फाइनली वडोदरा क्रॉस हो गया है और ये हलोल वाला रास्ता हमें लेना है, मतलब इस ब्रिज के नीचे से राइट मारना है। ये देखो सामने लिखा जा रहा है वडोदरा 2 किलोमीटर, हलोल 35, अहमदाबाद 112 किलोमीटर, 385 किलोमीटर चल चुके हैं गाड़ी। और अब हम यहाँ से राइट लेंगे हलोल के लिए। तो हम हलोल से चित्तौड़गढ़ से किशनगढ़ से जयपुर वाला रास्ता लेंगे। मुड़ासा वाला रास्ता इस बार नहीं ले रहे, लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया हुआ है। और गूगल मैप पे भी सबसे जल्दी पहुँचने वाला रास्ता चित्तौड़गढ़ वाला दिखा रहा है, तो हम भी वही ट्राई करते हैं। गुजरात और राजस्थान और वहाँ गाय भैंसे नहीं दिखे रोडों पे, एक्सक्लूसिव हाईवे पे हो ही नहीं सकता। अरे भाई भाई भाई, ये तो समंदर आ जाएंगी। दूर से जाओ, ऐसा भैंसे हैं। भैंस नहीं गाय लग रही है। भाई हमने कैंपर लिए हैं दोनों, चेरी केन। गुजरात में पेट्रोल का रेट है 96.16, तो बॉम्बे से यहाँ तक आने का टोटल 1000 रुपये का पेट्रोल लगा है अभी। तो मैं सोच रहा हूँ जेरी केन में भी भरवा लेते हैं, इसमें देख के भरना, जितना है ना थोड़ा कम भरना है उससे। 5 लीटर का है वैसे, 3.5-4 लीटर भर। तो हम जेरिकेन में भी पेट्रोल भरा रहे हैं, जेरिकेन लिए हैं तो इतना तो फ़ायदा उठाएं भाई। कितना आया है इसमें? 2 गया। कितना है इसमें? 1 जेरिकेन भर गया है, अब दूसरा भरेंगे।
भाई दूसरा भी है। कोई थोड़ा देख के हाँ बाहर नहीं आ जाए। तीन लीटर चार लीटर तो हो रहा है, वैसे पांच लीटर का कैन है ये। पांच लीटर हो गया, बस कर पांच हो गया। पांच की कैपेसिटी है उसकी दोस्त, और मत डालो वो ढुलेगा, वो निकलेगा नहीं फिर मेरे से। उसमें गैस भर जाती है, यहाँ से गैस निकालनी पड़ती है पहले। ये बना रखा है कैनाल, ये मेरे हिसाब से वही कैनाल है जो हमने उसमें मोड़ासा वाले रास्ते में यूज़ किया था, आई एम प्रीटी मच श्योर। और हम शायद ये वाले रास्ते से निकले थे, ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है यहाँ से, जहाँ वो टैक्सी खड़ी हुई वहाँ से निकल के हम यहाँ आए थे, और यहाँ से हमने शायद लेफ्ट ही लिया था। तो पूरी नदी को डाइवर्ट कर रखा है, इतना बड़ा कैनाल बना रखा है। आगे डैम है इसके, और उस तरफ भी शायद डैम है। चैनलाइज कर रहे हैं पानी को, यूटिलाइज कर रहे हैं। रोड बहुत ही शानदार है, वडोदरा से हलोल वाला रास्ता लिया है मैंने। फ्रॉम वडोदरा इफ़ यू आर कमिंग तो राइट लेना होता है, वो राइट लिया है और उसके सीधे सीधे। और इस कैनाल की स्पेशलिटी है कि इसके दोनों तरफ रोड चल रही है, देखो वहाँ भी चल रही है, उस तरफ भी चल रही है। अगर आप रोड के इस तरफ आ जाओगे तो उधर भी, इधर भी रोड चल रही है और वो तरफ भी रोड चल रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब भाई निकलना पड़ेगा मैं आगे, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है और ये हमारी डेजर्ट शिप की हालत देख लो भाई क्या हो रखी है। आगे भी लग रहा है बारिश मिलने वाली है, बादल दिख रहे हैं बहुत सारे। अराउंड 450 किलोमीटर हो गया है हमारा। कितना ब्यूटीफुल है ये, मैंने मैप चेक किया, हमारे को ये वाला ही रास्ता लेना था। चलो 12 किलोमीटर का रास्ता है ये। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. The best part about road trips, जो मुझे अच्छा लगता है, especially solo rides. इतनी जबरदस्त location मिली है, on the way, through Google Maps, रास्ते ढूंढते हुए, और बहुत ही शानदार व्यू है। ये देखो मेरे पीछे पूरी हरियाली हरियाली है, ऊपर बादल है, कभी धूप कभी छांव वाला मौसम है। और ये देखो यहाँ पे हैं बकरियाँ, बकरियों का ढेर दिखाता हूँ आप लोगों को। और मेरे सामने चल रहा है एक सुंदर सा कैनाल, बहुत बड़ा है,
और 12 किलोमीटर लंबा चल रहा है ये। इस कैनाल के रास्ते ही मैं पूरा आगे जाने वाला हूँ। ये देखो, आपको दिखाता हूँ कहाँ तक फैला हुआ है। जितना आप देख सकते हो, देखो पूरा कैनाल ही कैनाल है। बकरियों का ढेर लगा हुआ है इधर, और ये हमारी प्यारी डेजर्ट शिप। सुहानी सुबह की शुरुआत हुई थी नदी से, और एक सुहानी शाम की शुरुआत हो रही है नहर से। तो नदी से लेके नहर, गुजरात राज्य महाराष्ट्र हमने देख लिया सुबह से, होपफुली राजस्थान भी आज ही देख लेंगे। यार ये रोड पिछली बार भी आई, ये रोड लास्ट टाइम भी, बट मैं जहाँ तक समझता हूँ ये कोई हाईवे वाईवे नहीं है यार, ये कोई अंदर का ही रास्ता है। और ये गूगल के कारण ये गड़बड़ होती है सारा, लेफ्ट राइट सेंटर करके शॉर्टकट दिखाने के चक्कर में। अभी ये 11 किलोमीटर लंबी नहर है जिसके बाजू में मैं चल रहा हूँ भाई, इसका तो वीडियो बनाते बनाते थक गया मैं, और अभी तक रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी 3 किलोमीटर और जाना है मेरे को, इसलिए 9 किलोमीटर से मैं इस नहर के बाजू में चल रहा हूँ। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Hey, देखो भाई, ये नदी है और इसी से ये डैम बना करके रखा हुआ है इस तरफ वाला। कहाँ तक जा रही है ये? इस तरफ जा रही है, फिर उस तरफ भी जा रही है, और वो पीछे तक भी है। देखो भाई, कम से कम 15 किलोमीटर से ऊपर हो गई ये डैम पे चल रहा हूँ मैं, कैनाल में चल रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बना हुआ है नर्मदा रिवर भी बना हुआ है। अब मैं अभी पढ़ा यहाँ पे, और मैं नर्मदा रिवर के कैनाल भी पिछले कम से कम 1-1.5 घंटे से घूम रहा हूँ, और 2 घंटे से इस कैनाल के बाजू में फ़ोटो खींच रहे, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। गड्ढों से भरी हुई रोड है, गाड़ी ओवरलोडेड है, तो थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है, धीमे धीमे चलाना पड़ रहा है। ये देखो क्या लिखा है, नर्मदा मेन कैनाल सरदार सरोवर डैम। कैसे पानी तेज बह रहा है भाई इसमें। ये देखो इधर वाला तो पूरा खाली करके रखा है इन्होंने वैली को। ये देखो ट्रेन भी आ रही है यार। ये देखो जब मुंबई मनाली वाली राइड पे था तब भी इस कैनाल से गए थे हम लोग, लेकिन तब हमने मोडासा वाली रोड ली थी। अब ये मोडासा वाली रोड नहीं लेनी है तो हमें कहाँ लेकर के जा रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई लोग, हम पहुँच गए हलोल, और अब जाना है गोधरा। गोधरा से जाएंगे चित्तौड़गढ़ से जाएंगे किशनगढ़। तो
मनाली राइड पे भी यही जगह रुका था मैं कुछ खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। गोधरा पहुंच गए, अब यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स चित्तौड़गढ़। देखते हैं कहाँ से रास्ता है, पता करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मोडासा यहाँ से 100 किलोमीटर है। अगर वो नहीं समझेगा तो मोडासा वाले रास्ते पर ही चला जाऊँगा। लेट्स सी, अभी कुछ खाते हैं। तो भाई गोधरा पहुँच गए दिखा दो। ये भाई कुछ अलग ही सिका हुआ वड़ा पाव है, चटनी वटनी डाल के सेक करके दिया, ट्राई करेंगे पहली बार। और ये समोसा चाट दिया छोले डाल के, अलग ही डिश है, यहाँ का लोकल फूड खाने का अलग ही मजा है। I have few people here from Godhra, Gujarat. They have some message for you. Please subscribe GM Riders Road Trip and enjoy. Please subscribe karo kya dena. Thank you. Subscribe karna nahi bhula. Thank you, thank you. कहीं भी खड़े रहो, 360 ले रहा है। क्या बात कर रहे हो? आप भी आ रहे हो, आप भी आ रहे हो, ये भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, सामने वाला भी आ रहा है। 360 है। 360 डिग्री देखो। बढ़िया है। ये देखो इसमें भी खड़े हो। ये सामने वाला भी आ रहा है। Thank you.